तो गाइस कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा हेडफोन है जिसका नाम है दोस्तों टोजो HT2। ये आपको लगभग 3,500 रुपए में मिल जाएगा। और गाइस 3,500 रुपए में इस हेडफोन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसमें आपको मिल जाता है 38 dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 60 आवर का प्ले टाइम देखने को मिलता है, और गाइस इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों इस हेडफोन को मैं यूज भी कर रहा हूं। गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और गाइस फुल्ली टेस्टिंग के साथ रिव्यू करेंगे, अपना 5-6 दिनों का एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस हेडफोन को लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देखिए, आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। तो गाइस सबसे पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स दोस्तों हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको टोजो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और गाइस नीचे की साइड इन्होंने मेंशन कर दिया है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, सारे वीडियो में कवर करूंगा। और गाइस जब मैंने बॉक्स को खोल के देखा तो दोस्तों वहां पे मुझे एक यूजर मैनुअल देखने को मिल गया था। इसको आपको रीड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारे फीचर यहीं पे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक आपको यूजर गाइड भी देखने को मिल जाता है, एक आपको ऑक्स केबल देखने को मिलती है। ऑक्स केबल की दोस्तों क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है, और दोस्तों लंबा काफी इन्होंने ऑक्स केबल दे रखा है, तो दोस्तों काफी डिस्टेंस से आप अपने हेडफोन को यूज कर पाएंगे। एक आपको मिल जाती है दोस्तों टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग केबल। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगी है, और दोस्तों लेंथ इसमें भी इन्होंने काफी बढ़िया दे रखी है, तो दोस्तों काफी डिस्टेंस से आप अपने हेडफोन को चार्ज कर पाएंगे। तो गाइज अब बात कर लेते हैं अपने हेडफोन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगा है। काफी लाइट वेट ये हेडफोन है, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपको इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं होने वाला। और गाइज बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें जो प्लास्टिक इन्होंने यूज किया वो मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और गाइज फुल्ली मैट फिनिश के साथ ये हेडफोन इन्होंने बनाया है। सामने की तरफ आपको टोजो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और दोस्तों इसमें जो हेड बीम है वो काफी फ्लेक्सिबल देखने को मिलता है, तो दोस्तों काफी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो दोस्तों ये बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने मेटल का यूज किया है। और गाइज ईयर कफ्स में जो इन्होंने कुशन यूज करे हैं वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 2 दिन तक भी इसे लगा के रख रहे हैं तब भी दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों कुशन में इन्होंने लेफ्ट राइट भी मेंशन कर रखा है। ये हेडफोन आपको 360 डिग्री रोटेटेबल देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ईयर कफ्स को रोटेट कर पाएंगे, और दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने ईयर कफ्स को बैंड कर पाएंगे। इस साइड आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी इन्होंने काफी सॉफ्ट कुशन का यूज किया है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो तो दोस्तों आपके सर पे कोई भी दर्द वगैरह महसूस नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ बटन्स वगैरह भी लगाए हैं, तो दोस्तों इस वाले बटन से आप अपने हेडफोन को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों वॉल्यूम को अप डाउन कर पाएंगे। ऑक्स केबल पोर्ट देखने को मिलता है, टाइप सी इंटरफेस के साथ चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाएगा, और गाइस यहाँ पे इन्होंने एक माइक लगाया, और दोस्तों इस बटन से आप अपने ANC और दोस्तों ट्रांसपेरेंसी मोड को एक्टिव डीएक्टिवेट कर पाएंगे। ओवरऑल बात करें इसके बिल्ड और डिजाइन की तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो दोस्तों कनेक्टिविटी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत जल्दी से ये हेडफोन आपके डिवाइस से पेयर हो जाता है। और गाइस साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक AAC और दोस्तों SBC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, ऐप सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। टोजो साउंड ऐप से आप इसे कस्टमाइज कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया, और दोस्तों अपने हेडफोन को भी कनेक्ट कर लिया है। ऐप की UI मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐप की UI कुछ इस तरीके से मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने हेडफोन की बैटरी चेकआउट कर पाएंगे कि आपका हेडफोन कितना चार्ज है। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में जाते हो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, रिड्यूस विंड नॉइस, आपको लेस्योर मोड देखने को मिलेगा, नॉर्मल मोड, और दोस्तों एडेप्टिव मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप इक्वलाइजर में जाए तो दोस्तों यहां से आप अपने साउंड को आप अपने तरीके से इक्वलाइज कर पाएंगे। यहां से दोस्तों प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, एक्सप्लोर देखने को मिलता है। माई टोजो में जा रहे तो दोस्तों यहां पे आपको मिल जाते हैं प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। और गाइस इसके फिटिंग और कंफर्ट की बात करें तो दोस्तों ये हेडफोन मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगा है। उसकी वजह है दोस्तों इसका वेट बहुत कम है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा, और दोस्तों कोई भी आपको इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं होने वाला। लगभग आप इसे 2 दिन
भी लगा के रख रहे हो तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और गाइज फिटिंग की बात करूं तो दोस्तों फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाता है। अगर आप इसे रनिंग के टाइम, वर्कआउट के टाइम या दोस्तों ट्रैवलिंग के टाइम यूज करो तो दोस्तों आपके कानों से निकलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसकी गेमिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों गेमिंग के लिए काफी परफेक्ट ये हेडफोन रहने वाला है। अगर आप इसे ऑक्स केबल के साथ गेमिंग कर रहे हो तो, अगर आप इसे ब्लूटूथ के साथ गेमिंग कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको थोड़ी बहुत लेटेंसी मिलती है। गाइज मैं आपको गेमिंग का एक छोटा सा टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ ऑक्स केबल के साथ और दोस्तों ब्लूटूथ के भी साथ, तो दोस्तों इससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। अगर आप इसे गेमिंग पर्पज से परचेज कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज गेमिंग टेस्ट देके आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। गाइज इससे मैंने ब्लूटूथ के साथ बहुत सारे गेम्स प्ले करे थे, मुझे गाइज ऐसा लग रहा है 50-60 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ इसमें आपको गेमिंग मोड मिल रहा है। तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करते हैं तो गाइज कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ, बट दोस्तों प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं तो गाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ब्लूटूथ के साथ। बट दोस्तों अगर आप प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं ऑक्स केबल के साथ तो दोस्तों कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई भी लेटेंसी नहीं मिलती है। और गाइज इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों सिंगल चार्ज पे ये लगभग आपको 60 आवर का प्ले टाइम दे देता है अगर आपने ANC ऑफ कर रखा है तो। अगर आपने ANC ऑन कर लिया तो दोस्तों वहां पे आपको 40 आवर का प्ले टाइम देखने को मिलता है। गाइज 2 घंटे में लगभग आपका हेडफोन फुल चार्ज हो जाएगा। और गाइस इसके ANC के बारे में बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 38 dB तक का ANC देखने को मिलता है। तो दोस्तों ANC मुझे ठीक ठाक लगा है, जैसे आप क्राउड एरिया में इसे यूज करोगे तो दोस्तों बैकग्राउंड की नॉइस ये 60% तक कैंसिल कर देता है। जैसे आपके पास खड़े हुए कोई तेज तेज चला रहा है वो आपको सुनाई देगा, लेकिन दोस्तों दूर से आवाज आ रही है वो आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती है। और दोस्तों इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या दोस्तों बाइक से कहीं जा रहे हो रोड वगैरह पे तो दोस्तों पीछे से आपको पता चल जाएगा पीछे से क्या रहा है। दोस्तों इसे मैंने आउटडोर में भी यूज किया था रोड एरिया में जाकर, तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी मोड इसका मुझे काफी बढ़िया लगा है और दोस्तों ANC भी इसका मुझे काफी बढ़िया लगा है। और गाइस इसके कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको 3 माइक देखने को मिलते हैं विद एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। गाइस इसे मैंने आउटडोर और इंडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया, इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे, कॉलिंग में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और दोस्तों इसका जो एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मोड है वो भी काफी हद तक वर्क करता है, बैकग्राउंड की नॉइस लगभग ये 90% तक कैंसिल कर देता है। तो गाइज इसे मैंने आउटडोर में जाके कॉलिंग किया था, वो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, वो मैं आपको सुना देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर और दोस्तों इसका जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो। हाँ भाई। हाँ भाई, बिजी तो नहीं अभी? अरे नहीं यार, मेरा थोड़ा एक काम कर, मेरे पास अभी एक हेडफोन है ठीक है, उसी से मैं कॉलिंग कर रहा हूँ तुझे। ठीक है, तो ये बता यार इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन तो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आवाज काफी ज्यादा क्लियर है। जो बोल रहा हूँ तुझे अच्छे से समझ में आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल यार। अच्छा अच्छा, और यार इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन मोड है ठीक है, अभी मैं आउटडोर में खड़ा हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है ठीक है, तो बैकग्राउंड की नॉइस आ रही है तेरे पास कुछ, ये बता। लगभग ये 70-80% तक कैंसिल कर रहा है यार। अच्छा अच्छा, 80% तक कैंसिल कर रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, चल ठीक है, थैंक यू। गाइज अब बात कर लेते हैं इसके साउंड की क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसके साउंड की क्वालिटी मुझे काफी परफेक्ट लगी है, आप लोग इंजॉय करोगे। दोस्तों वोकल्स क्लियर है, सिंगर की आवाज आपको काफी क्लियरली सुनाई देती है और गाइज बैकग्राउंड में जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो भी काफी क्लियरली आपको सुनाई देते हैं। एक बात दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी है इस हेडफोन की, अगर आप इसे फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी डिस्टॉर्शन वगैरह सुनाई नहीं देता है। और गाइज अगर आप इसे लगा के कोई मूवी वगैरह देख रहे हो या दोस्तों वीडियो वगैरह देख रहे हो तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग वगैरह सुनाई नहीं देता है। इसमें आपको 40mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों बेस मुझे काफी तगड़ा लगा है, अगर आप बेस म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों इस हेडफोन को जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है इस हेडफोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो गाइज डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये हेडफोन मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगा है। अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला कोई भी हेडफोन परचेज करना चाह रहे हो तो दोस्तों इसे आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो।
और गाइज अभी अगर आप इसे परचेज कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पे आपको ये 3,400 रुपए में मिल जाएगा। वैसे दोस्तों इसका प्राइस 4,300 रुपए है। अगर आप इसे लेना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तो गाइज यही था टोजो HD2 हेडफोन का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक तो जरूर कर देना। इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।